हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू क्लास? आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3, वर्क अराउंड अस, मींस हमारे चारों तरफ का वर्क। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक विल बी गिवन वेरियस काइंड ऑफ वर्क, मींस विभिन्न प्रकार के वर्क, चिल्ड्रन हु वर्क, यानी जो चिल्ड्रन वर्क करते हैं, ऑल वर्क एंड वर्कर्स आर इम्पॉर्टेंट, यानी सभी कार्य और सभी वर्कर क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर को रोकना। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर वर्किंग पीपल, फिल इन द ब्लैंक्स दैट से हु दे आर। देखिए, आपको कुछ वर्किंग पीपल दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इनके नेम फिल करने हैं, जो कि क्या दिए गए हैं, यानी वो पूरे नहीं दिए गए हैं, आधे दिए गए हैं, उन्हें आपको क्या करना है, पूरे करने हैं। ठीक है, जैसे क्या दिया गया है, अब देखिए, हु इज़ दिस, दिस इज़ अ डॉक्टर, ओके, क्लीनर, एंड दिस इज़ अ टीचर, ओके। देखिए, let us start our explanation. The doctor, the cleaner and the teacher are all people around us who do jobs work people do for which they are paid money that help everyone. Many other people do jobs of different kinds. yani beta, हमारे घरों के आसपास डॉक्टर, क्लीनर, टीचर, नर्स, यानी बहुत तरीके के लोग रहते हैं, बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं जो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, और जॉब करने से उनको क्या मिलता है, यानी मनी मिलते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, यानी वो अपने घरों में सभी की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बहुत से, यानी वर्ल्ड में बहुत से ऐसे पीपल हैं जो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, और वो वर्क जरूरी नहीं कि कोई, सभी लोग सेम ही वर्क करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्लीनर है, कोई अथर्स है, कोई सोल्जर है, तो सारे लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे वेरियंट काइंड्स ऑफ वर्क, यानी विभिन्न प्रकार के वर्क, विभिन्न प्रकार के कार्य। ओके, on the next page you will read about some people who do different jobs. आपको क्या करना है, यानी next page पर आप पढ़ेंगे कि कुछ peoples के बारे में दिया गया है जो कि क्या करते हैं, different तरीके की job करते हैं। okay, so students let us start next page and you will read about some people who do different jobs. okay, what's this, this is a doctor, and doctor treat people when they fall ill. doctor किसी people को कब treat करता है, जब वो बीमार हो जाता है। कि ऐसा होता है कि जब आप लोग बीमार नहीं होते हो तब भी doctor के यहाँ जाते हो, क्यों, कब जाते हो, जब आप बीमार हो जाते हो तब क्या करता है doctor, doctor treat people when they fall ill, जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमें क्या करता है, ट्रीट करता है। ओके, व्हाट्स दिस, दिस इज क्लीनर, ओके, क्लीनर्स क्लीन द रोड एंड अदर प्लेसेस दैट आर डर्टी। क्लीनर क्या करता है, रोड को और अदर पीपल, अदर प्लेसेस को क्या करता है, क्लीन करता है, जब वो क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, टीचर टीच इन स्कूल, टीचर क्या करती है, स्कूल में पढ़ाती है, और क्या करती है, यानी अभी देखिए आपका स्कूल नहीं चल रहा है तो वो आपको किस तरीके से पढ़ा रही हैं, पढ़ा रही है ना, तो एक टीचर क्या करती है, टीच करती है, हमें पढ़ाती है। ओके, व्हाट्स दिस, दिस इज फार्मर, ओके, फार्मर ग्रो फूड फॉर ऑल ऑफ अस टू ईट। फार्मर क्या करता है, फार्मर यानी फूड को ग्रो करता है, अनाज को उगाता है, जिसे हम सभी क्या करते हैं,
खाते हैं। अगर बताइए फार्मर क्या आप लोग, जब फार्मर ही अनाज को ग्रो नहीं करेगा, फूड को ग्रो नहीं करेगा वो, तो क्या हम लोग को किसी भी शॉप पर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो फूड को कौन ग्रो करता है? फार्मर ग्रो करता है। ठीक है, सोल्जर्स गार्ड द कंट्री एंड कीप इट सेफ। सोल्जर्स क्या करते हैं? हमारे कंट्री की रखवाली करते हैं, जिससे हम क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। आपको पता है बच्चों, यानी बॉर्डर वगैरह पे सैनिक लोग क्या करते हैं? अपनी जान दे देते हैं, और अपनी जान देकर वो क्या करते हैं? हम लोग की रखवाली करते हैं, क्योंकि अगर वो बॉर्डर की रखवाली नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिससे हम लोग भी सेफ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो सोल्जर्स गॉट द कंट्री एंड कीप इट सेफ, वो क्या करते हैं? कंट्री की रखवाली करते हैं, जिससे हम लोग क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं। अब देखिए, ऑथर्स राइट बुक्स फॉर पीपल टू रीड। ऑथर्स क्या करते हैं? बुक को राइट करते हैं, जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इस बुक को किसी ने तो राइट किया होगा ना, हम लोग इसे क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। लेकिन इसको राइट किसने किया? किसी ना किसी ऑथर ने राइट किया होगा। अब देखिए, फायर फाइटर पुट आउट फायर। फायर फाइटर क्या करते हैं? आग को बुझाते हैं। जब कभी कहीं किसी भी प्लेसेस पर आग लग जाती है तो क्या होता है? फायर फाइटर क्या करते हैं? आग को बुझाते हैं। ठीक है, पुलिसमैन मेक श्योर दैट पीपल ओबे रूल। पुलिसमैन क्या करता है? जो यानी इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? उनको सजा देते हैं। यानी कोई भी पीपल अगर किसी भी तरीके का कोई अगर किसी भी ओबे को, किसी भी रूल्स को नहीं मानता है, वो क्या करते हैं? उसको यानी सजा देते हैं ना। तो पुलिस क्या करते हैं? और हमारी चोरों से सुरक्षा भी करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें। बस एंड ट्रेन ड्राइवर्स ड्राइव व्हीकल्स दैट पीपल ट्रैवलिंग। बस और ट्रेन ड्राइवर क्या करते हैं? व्हीकल को ड्राइव करते हैं। ठीक है, बस और ट्रेन ड्राइवर करते हैं ना। हम लोग कहीं भी आते जाते तो कैसे? अगर हम लोग को स्कूल आना जाना रहता है तो आपको बस ड्राइवर लेने जाता है, तभी तो आप स्कूल पहुंच पाते हो। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है? आपके डिस्कस, फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी आपके दिए गए हैं, डिड यू नो, आपको एरो, देखिए इसी तरीके से एरो बनाकर आपको अपनी बुक में राइट करना है। ठीक है, तो आई विल सेंड ऑल आंसर थ्रू द PDF, यू कैन राइट। ओके, अब देखिए, ऑल वर्क एंड वर्कर्स आर इम्पॉर्टेंट। यानी हमारी टॉपिक है कि हमारे लिए सभी वर्क और वर्कर्स क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए बच्चों, पीपल वर्क बिकॉज दे लाइक टू वर्क, दे ऑल्सो वर्क टू अर्न मनी सो दैट द कैन बाय फूड एंड अदर नेसेसरी थिंग्स फॉर देयर फैमिलीज। फॉर सम जॉब्स पीपल हैव टू स्टडी एंड लर्न फॉर मैनी ईयर्स। दिस फॉर एग्जाम्पल इज वॉट डॉक्टर्स डू फॉर अदर्स जॉब। पीपल डू नॉट नीड टू स्टडी फॉर सो मैनी ईयर्स, बट दे हैव टू लर्न हाउ टू देयर जॉब्स वेल। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु वॉन्ट टू बिकम टेलर्स और कारपेंटर्स यूजली वर्क with senior tailors or carpenters for several years to learn the work. For everyone, the work they do is important. देखिए बच्चों, सभी work और workers कैसे important होते हैं? लोग work क्यों करते हैं? Money earn करने के लिए करते हैं। लोग किसी work को करते हैं, उनको money मिलता है, फिर उससे वो क्या करते हैं? अपनी आवश्यकतानुसार सभी चीज़ों को buy करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, यानी फूड वगैरह हुआ, और उनकी फैमिलीज में जिन भी चीज़ों को उनको ज़रूरत होती है वो क्या करते हैं? अपने अर्न हुए मनी से वो क्या करते हैं? उसे पूरा करते हैं। ठीक है, तो लोग यानी बहुत से लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, बहुत से लोग होते हैं बहुत छोटे छोटे से वर्क करते हैं, जैसे टेलर हो गया, कारपेंटर हो गया। तो क्या हमें हमें किसी भी वर्क को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए? हमारे लिए सभी वर्क और वर्कर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, और सभी पीपल की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, ऑल वर्क एंड वर्कर्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, थिंक एंड आंसर। आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट विल हैपन
इफ पीपल लाइक डॉक्टर्स, क्लीनर्स, फार्मर और बस ड्राइवर्स स्टॉप डूइंग देयर वर्क. हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या होगा अगर जब यानी डॉक्टर, क्लीनर, फार्मर और बस ड्राइवर अपना वर्क करना स्टॉप कर देंगे, तब क्या होगा? टेल मी आंसर. ठीक है, आपको क्या करना है, बताना है. चलिए हम बता रहे हैं, लेकिन अगेन जब भी मैं इसका क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा. देखिए, इफ डॉक्टर स्टॉप्ड वर्किंग देयर वुड बी नो वन टू ट्रीट इल पीपल. अगर डॉक्टर अपना वर्क करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, तो क्या होगा? कोई अगर मान लीजिए डॉक्टर अपना वर्क करना स्टॉप कर दिया, तो किसी भी बीमार व्यक्ति को कौन ट्रीट करेगा? कोई ट्रीट कर पाएगा? नहीं ट्रीट कर पाएगा. इफ क्लीनर्स स्टॉप्ड वर्किंग प्लेस वुड गेट मोर एंड मोर डर्टी. अगर क्लीनर्स अपना वर्क स्टॉप कर दिया करना, तो कोई भी प्लेस क्या होगा, गंदा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा गंदा हो सकता है. ठीक है, यानी पीपल वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रेवल टू प्लेसेस दैट दे नीड टू गो टू. यानी अगर कोई यदि ड्राइवर अपना वर्क करना स्टॉप कर दिया, तो हम किसी भी प्लेस पर इजीली रूप से नहीं आ जा सकते हैं. कि जा सकते हो, नहीं आ जा पाओगे. अब देखिए, ईच जॉब एंड ऑल द वर्क डन बाय डिफरेंट पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट. प्रत्येक जॉब डिफरेंट पीपल के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है. जो जिस तरीके का जॉब करता है, उसका जॉब उसके लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है. नो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर. यानी सभी को अपना अपना जॉब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है बच्चों, अब देखिए, नो जॉब इज़ लेस इम्पॉर्टेंट. कोई भी वर्क कम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. दिस इज़ वाई वी शुड रिस्पेक्ट द वर्क पीपल डू एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट पीपल डू दिस वर्क. यानी हमें क्या करना चाहिए, यानी सभी वर्क की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो व्यक्ति जैसा भी वर्क करता है, उस पीपल की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, अब देखिए, रिस्पेक्ट पीपल हु डू दिस वर्क. व्हेन वी रिस्पेक्ट वर्कर, दिस इज़ कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर. अगर हम उन पीपल की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, डिग्निटी ऑफ लेबर कहलाएगा. अब देखिए, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव enough work for people, so they travel to cities and towns to find work, leaving their families behind. Many have no place to stay in the city and have to sleep on the roadside. India में बहुत सी जगह पर ऐसे, यानी बहुत से गाँव में ऐसा है कि वहाँ पर क्या होता है, वर्क नहीं होते हैं, तो लोग अपने गाँव को छोड़कर शहरों में, नगरों में आते हैं वर्क करने के लिए, जिससे वो क्या करते हैं, अपने मनी को अर्न करते हैं. और यहाँ तक कि बहुत लोगों के पास सोने के लिए घर वगैरह नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रोड साइड पे क्या करते हैं, स्लीप करते हैं, सोते हैं. ठीक है, चिल्ड्रन हु वर्क, यानी मैनी फैमिलीज इन इंडिया आर वेरी पुअर. इंडिया में बहुत से घर ऐसे हैं जो अभी भी क्या हैं, बहुत गरीब हैं. द एडल्ट्स में वर्क टू अर्न मनी फॉर फैमिलीज. उनके एडल्ट्स यानी उनके घरों में एडल्ट्स तो पैसे को अर्न ही करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके बच्चे भी क्या करते हैं, अपने घरों को चलाने के लिए क्या करते हैं, वो भी वर्क करते हैं. जैसे दे वर्क इन प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट्स, रोड साइड स्टॉल्स, फैक्ट्रीज और फॉर्म्स. दे ऑल्सो सेल थिंग्स ऑन द रोड साइड, वर्क इन द होम्स ऑफ रिचर पीपल, कलेक्ट गार्बेज. दिस इज़ कॉल्ड चाइल्ड लेबर. और जो सारे बच्चे यानी कंपनी में, फैक्ट्रीज में, रोड साइड में स्टॉल लगाते हैं, ये सारे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, यही क्या कहलाता है, यानी किसी रिच पीपल के घर वर्क करते हैं और कूड़े करकट को इकट्ठा करते हैं, यही क्या कहलाता है. तो जो छोटे छोटे बच्चे वर्क करते हैं, यही क्या कहलाता है, चाइल्ड लेबर कहलाता है. ठीक है, चिल्ड्रन हैव टू वर्क फॉर मैनी आवर्स एवरी डे. चिल्ड्रन जो वर्क करने लगते हैं बच्चों, तो वो प्रतिदिन बहुत सारा वर्क करते हैं. दे आर यूजुअली पेड मच लेस मनी देन एडल्ट, और फिर भी उन्हें क्या मिलता है, बच्चों से कम पैसे मिलते हैं. ठीक है, समटाइम्स दे बीटन आर ट्रीटेड बैडली. बहुत से लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ही बैडली ट्रीट भी करते हैं, पीटते भी हैं. ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, और वो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाने में भी योग्य नहीं हो पाते हैं. अगर जो बच्चा वर्क करने लगेगा, तो क्या उसे टाइम मिल पाएगा पढ़ने के लिए, नहीं, ऐसे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं. इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर चिल्ड्रेन टू डू.
और ये बच्चों के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है. दे हैव नो टाइम टू प्ले, उन्हें खेलने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है. द हार्ड वर्क एंड बैड ट्रीटमेंट कैन मेक देम इल, उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है और उससे उनके सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है. एज दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, दे कैन नॉट लर्न द थिंग्स एंड दे नीड टू नो सच एज रीडिंग राइटिंग. वेन दे ग्रो अप दे मे नॉट गेट अ जॉब लाइक बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू स्टडी, और वो पढ़ने में भी इसी तरह वो क्या हो जाता है, उनके मानसिक पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं. अब देखिए बच्चों, प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर, हमें क्या करना चाहिए, हमें चाइल्ड लेबर को रोकना चाहिए. योर स्कूल हैज़ रूल्स सो दैट इट कैन रन वेल, आपके स्कूल में कुछ रूल्स बनाए गए हैं. और वो रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका स्कूल अच्छे से रन कर सके. ठीक है, सेम इसी तरह बच्चों, इन इंडिया देयर आर लॉज दैट डू नॉट अलाउ चिल्ड्रेन हु आर 14 ईयर्स एज और यंगर टू वर्क इन एनी अनसेफ प्लेस. इसी तरीके से इंडिया में भी कुछ लॉ बनाए गए हैं कि यानी 14 ईयर्स से कम एज वाले बच्चे कहीं भी वर्क नहीं कर सकते हैं. अगर ऐसा कहीं भी पता चलता है बेटा, तो उन्हें क्या, उन्हें जो है सजा भी मिल सकती है. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी चाइल्ड को वर्क करने से मना करना चाहिए. गवर्नमेंट मेक श्योर दैट दिस लॉज आर फॉलो, दिस आर ऑल्सो मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्राई टू सेव यंग चिल्ड्रन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वर्क. इवन देन एन जी ओ, वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एन जी ओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, और इसीलिए इंडिया में कुछ एन जी ओ भी बनाए गए हैं कि ताकि नियम को क्या किया जा सके, फॉलो किया जा सके. मैनी चिल्ड्रेन इन स्टिल वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेज बिकॉज सम पीपल डू नॉट ओबे द लॉ एंड मेक चिल्ड्रेन वर्क फॉर देम. दे आर ऑल्सो लॉ इन इंडिया विच मेक इट कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज टू गो टू स्कूल. इन मैनी स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रेन अ मील बुक एंड यूनिफॉर्म आर गिवन टू चिल्ड्रेन सो दैट आर पेरेंट्स डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन सच थिंग्स. तो ऑल वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर. चाइल्ड लेबर इज समथिंग दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड. देखिए बच्चों, यानी इसीलिए क्या किया गया है, कुछ एनजीओ बनाए गए हैं और कुछ गवर्नमेंट स्कूल भी खुलवाए गए हैं, जिससे जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए मनी को स्पेंड नहीं कर सकते हैं, वह यानी उन्हें फ्री में बुक यूनिफॉर्म सभी चीज़ अवेलेबल कराया जाता है, ताकि वो अपने बच्चों को क्या कर सके, अच्छे से पढ़ा सके. और हमें क्या करना चाहिए, किसी भी बच्चे को वर्क करने से रोकना चाहिए, और किसी भी बच्चे को वर्क करने से रोकना चाहिए ताकि क्या हो, यानी चाइल्ड लेबर पर, चाइल्ड लेबर को स्टॉप्ड किया जा सके. ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी बच्चों को वर्क करने से रोकना चाहिए. बच्चों देखिए, जॉब मीन्स होता है कार्य, डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स होता है परिश्रम की गरिमा, लॉज मीन्स होते हैं नियम, कंपलसरी मीन्स होता है अनिवार्य. ओके, अब देखिए, दिस इज़ योर फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, चूज द राइट आंसर. देखिए अब ये आप देख लीजिए, ठीक है, राइट ऑल वर्क, आपको ऑल वर्क क्या करना है, डू इन योर फेयर कॉपी क्वेश्चन आंसर एंड आई विल सेंड ऑल आंसर एक्सरसाइज थ्रू द PDF. ओके, मैं PDF के थ्रू आपको सेंड कर दूंगी. आपको क्या करना है, सभी वर्क को करना है एंड ड्रॉ द फिगर ऑफ डॉक्टर एंड टीचर. ओके, थैंक यू क्लास.